तो फ्रेंड्स, आज क्रिस्टल को कैसे चेक किया जाता है ये देखेंगे। मेरे पास रेडमी नोट 9 प्रो एक हैंडसेट है और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो क्रिस्टल लगा होता है ये है हमारा PM6150L लाइट आईसी, और उसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर पावर आईसी है, और पावर आईसी जो लगी है इसमें PM6250, देख सकते हैं 6250 PM है, और क्रिस्टल हमारा लगाया है यहाँ पर। तो अब हम इसको DSO में चेक करेंगे। इसमें जो क्रिस्टल लगाया है 38.4 MHz, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा अब 38.4 MHz, ठीक है इधर। अब यहाँ पे DSO में आप देखिए, यहाँ पे दो प्रिंट्स हैं, इन एंड आउट, दो जगह पे आपको सिग्नल मिलेगा, एक ग्राउंड रहेगा, एक वोल्टेज की सप्लाई, मतलब चार पिन होते हैं क्रिस्टल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का डिजाइन दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पे आपका इन होता है, यहाँ पे आउट, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे DSO में फ्रीक्वेंसी में आपको 38.4 MHz दिखेगा। तो यहीं पे DSO में आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रन पे है, तो मैं जब यहाँ पे चेक करूंगा तो ऑटो पे कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास प्रोब में ये वाला ग्राउंड है, और यहाँ पे देख सकते हैं 10x पे आपको रखना है, और यहाँ से हम चेक करेंगे, ये हमारा मेन टेस्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ग्राउंड में लगा लेता हूँ, ये नेटवर्क वाले केबल पे ग्राउंड अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, ग्राउंड यहाँ पे लगा लिया हूँ। अब ये वाला प्रोब में ले जा करके क्रिस्टल पे लगा, यहाँ पे चार्जर लगाएंगे, ये देखिए चार्जर लगाने पर, क्योंकि डेड मोबाइल है, ये डेड मोबाइल है, ऑन नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्रिस्टल को चेक करेंगे कि क्रिस्टल हमारा जो फ्रिक्वेंसी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो क्रिस्टल हमारा यहाँ पर है, तो DSO में हम अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, और जैसे मैंने यहाँ पर टच किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 38.4 MHz आ रहा है। मैंने यहाँ पे इन में चेक किया, जैसे मैं यहाँ पे हटाऊँगा ये देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी जा चुकी है, और वापस से मैं टच करता हूँ तो देख सकते हैं ये क्रिस्टल का फ्रिक्वेंसी है। अगर आपके पास 19.2 वाला होगा तो उतनी आएगी, या 26 MHz का होगा तो उतनी आएगी। ये हमारा क्वालकॉम का एक क्रिस्टल है जिसकी फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूसली ऐसे बननी चाहिए। चलिए एक और क्रिस्टल चेक कर लेते हैं कोई और मॉडल में। तो ये तो यहाँ पर हमारे पास है एक MediaTek CPU है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं MTK CPU का एक बोर्ड मेरे पास है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 26 MHz का इसमें क्रिस्टल लगा हुआ है। तो ये MediaTek IC है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं पावर IC MTK का IC है, और CPU भी इसमें MediaTek होता है। तो यहाँ लगा है हमारा क्रिस्टल। तो कैसे चेक करेंगे क्रिस्टल को, सबसे पहले ये ग्राउंड हम इसमें दे देंगे, यहाँ पर ग्राउंड अच्छे से स्ट्रांग देने के बाद चार्जर लगाएंगे, क्योंकि डेड मोबाइल ने आपको यही प्रोसेस करना है। अब हम DSO की तरफ चलते हैं। DSO में यहाँ पे क्रिस्टल के एक टिप्स पे लगाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। जैसे मेजर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं 26 MHz आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टच किया है, और इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके चेक कर लेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं 26 MHz यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारी फ्रिक्वेंसी। इसको हम बड़ा छोटा साइज भी ऐसा करके देख सकते हैं। तो 10 mV और 50 ns में आप क्रिस्टल का फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। सैमसंग MediaTek में दोनों में 26 MHz आता है। यहाँ पे जैसे मैं हटाऊँगा वापस चले जाएगी, और जैसे ही दोबारा हम लगाएंगे तो ये फ्रिक्वेंसी ऐसे आ जाना चाहिए। ये हमारा क्रिस्टल वर्किंग है, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। MediaTek हो या फिर क्वालकॉम हो, आप इसी तरीके से चेक करना है। मेजर का बटन दबाएंगे तो ही यहाँ पे मेजर का शो होगा, अदरवाइज़ ये वहाँ पर शो नहीं होगा आपको फ्रिक्वेंसी। अगर कहीं भी टच कर रहे हो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ऑटो पर आपको क्लिक कर देना है। ऑटो ऐसे क्लिक कर देंगे तो दो चैनल आ जाएंगे, येलो वाला हमारा सेकेंड चैनल है, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको बंद कर दिया हूँ, और बस सिंपली वापस से यहाँ पे
लगाएंगे तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये फ्रिक्वेंसी कैच कर लेगा आपको। ऐसे साइज डिवीजन और वोल्टेज सेट करना है और मेजर पे क्लिक कर देना है। मेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज़ आपका फ्रिक्वेंसी आपको दिख जाएगा। तो ऐसे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्रिस्टल का चेकिंग, ठीक।